हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मिल्क पेड़ा, जो सिर्फ दो चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी। और कोई खा के बता ही नहीं सकता है कि ये बिना मावे का, इसका जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो बिल्कुल मावे जैसा है और खाने में तो बेहतरीन है। अगर आप वर्किंग वूमेन है, हाउस वाइफ है, आपके पास ढेरों काम है, तो उसमें से सिर्फ 10 मिनट निकाल के आप ये पूरी रेसिपी अपनी प्रिपेयर कर सकते हो अपने गेस्ट के लिए और खुद के लिए। और इसको बनाना बहुत इजी है। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं इसको बनाना। आइए, पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 2 चम्मच घी। घी मेल्ट हो गया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क। घी को और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कंडेंस मिल्क की जगह आप स्टार्टिंग में 1/2 कप चीनी और 1/2 कप दूध यहाँ पे डालें घी के साथ। इफ यू डोंट हैव कंडेंस मिल्क, जिसे हम मिठाई मेड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। सारा मिल्क पाउडर एक साथ नहीं डालना है, मैं इसे 3-4 बार करके डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे लम्स कम से कम आए हमारे मिक्स के अंदर। और मैं यहाँ विस्क का यूज कर रही हूँ इसको मिक्स करने के लिए। बिल्कुल मावे जैसी फोम आ जाएगी हमारी। यहाँ अब ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दूध, बिकॉज हमने जो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंडेंस मिल्क, इसको अच्छे से मिला लेना है। आपको ये बहुत लो फ्लेम पे करना है। धीरे धीरे मिक्स होना शुरू हो गया है। मेरे विस्क में भी थोड़ा लगा हुआ था, वो भी अपने आप निकल गया है। अगर थोड़े बहुत लम्स भी आ रहे हैं तो इट्स ओके, हम बाद में इनको रिमूव कर देंगे। आपको इसको कॉन्टिन्यू स्टर करना है, चलाते रहना है इसको जब तक ये थिक नहीं हो जाएगा। यू कैन सी ये थोड़ा मावे जैसा लुक आने लग गया है, थिक होने लग गया है। ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर थोड़ा फ्लेवर के लिए, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, गुलाब जल, केवड़ा, इलायची पाउडर, अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट अच्छा लगता है इससे। इस तरीके से आप इसको मिक्स करती जाइए और स्पैचुला की हेल्प से थोड़े जितने हो सके कोशिश कीजिए कि लम्स निकल जाएं। अब धीरे धीरे ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, पर अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसको 2-3 मिनट और लगेंगे रेडी होने में। ये बस 5 मिनट में बनके आपका तैयार हो जाता है, बहुत ही इजी है। और हाँ फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट टिप ये है, इफ यू डोंट हैव कंडेंस मिल्क तो आपको क्या करना है, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप दूध, जो स्टार्टिंग में हमने कंडेंस मिल्क डाला था वहां पे ये चीजें डालनी है, और उसके बाद डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, मैंने 1.5 कप यूज किया, आप 2 कप यूज कर सकते हो। वहां उस स्टेज पे आप देख सकते हो लम्स ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। हम इसको मिक्स भी करें स्पैचुला की हेल्प से, इसको इस तरीके से दबा भी रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लम्स हमारे निकल जाएं। अब ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है, मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी। गैस ऑफ करके भी आपको इसको चलाना है, बिकॉज कढ़ाई हमारी गर्म है। और आप चेक कैसे करोगे कि हमारा मिक्स रेडी हो गया है क्या, इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स लेना है, उसको हल्का ठंडा कर लीजिए, अभी बहुत गर्म है।
और आप उसे ये चेक कर लीजिए उंगलियों में चिपक तो नहीं रहा है, इस तरीके से एक बॉल जैसी बन रही है क्या, लाइक दिस बॉल जैसी हमारी बनने लग गई है, ये चिपक नहीं रहा है, दैट मीन्स ओके। जो हमारा मिक्स है उसको इस प्लेट के अंदर ऊपर निकाल देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे जब तक मैं इसे छू पाऊं, अच्छे से छूने लायक हो जाए, हैंडल करने लायक हो जाए ये। तो अब देख लेते हैं हमारा मिक्स अभी हल्का गर्म है, इसी को ट्राई करते हैं, अभी गर्म लग रहा है, अब मुझे 2 मिनट और छोड़ना पड़ेगा इसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा स्पून से अभी कर लेते हैं जब तक कि हैंडल करने लायक नहीं हो रहा है अभी, इसको थोड़ा स्पून से, क्योंकि हमें जो अपना पेड़ा है थोड़ा गर्म ही रखना है मिक्स, ज़्यादा उसको ठंडे नहीं करना है, अदरवाइज पेड़ा स्मूथ नहीं बनेगा। 1 मिनट हम चम्मच से इसको इस तरीके से कर लेंगे, मेनली हमें कोई लम्स है वो निकालना है इसके अंदर से, थोड़ा अपना जो मिक्स है उसे थोड़ा सा स्मूथ बनाना है। आप इसे 2 मिनट के लिए कर लीजिएगा और जैसे ही ये हैंडल करने लायक हो जाएगा तो हम इसमें हाथ का यूज कर लेंगे। आपको हाथों से इस तरीके से इसको हथेली से मसलना है। तो मिक्स हमारा रेडी हो गया, मैंने 1-2 मिनट करके इसको इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे, के लिए कि हमारा पेड़ा इक्वल साइज का बने तो मैं ये स्पून ले रही हूँ, स्पून को मैं दबा के भर लूंगी अपने मिक्स से, जो जिससे हमारा जो पेड़ा है वो इक्वल साइज के बनेंगे इस तरीके से। फिर इसको शेप में दे लेंगे। थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने हाथों पे और जो हमारा ये इसको हमें देनी है एक पेड़े की शेप। ये देखिए परफेक्ट पेड़ा बनके रेडी हो गया है। ऐसे करके हम सभी पेड़ों को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने सभी पेड़ों को बना के रेडी कर लिया है और इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर से लगा रही हूँ ये पिस्ता। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से लगा सकते हैं, ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है अगर कुछ लगा देते हैं इसके ऊपर से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू।